तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक माइनिंग वीडियो बता रहा हूँ जो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो कि करीबन आपको 70-80 हज़ार के आसपास में कंप्लीट सेटअप भी मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम सब बेसिक सामान का यूज में लेंगे जो आपको आपके गेमिंग पीसी में पहले से आपको लगे हुए मिलेंगे, जो इसके पास भी एक अच्छा सा गेमिंग पीसी है जिसमें जीपीयू लगा हुआ हो और अच्छा प्रोसेसर हो। वैसे माइनिंग में प्रोसेसर इतने मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि गेमिंग पीसी सब लोग अपने गेमिंग के लिए बनाते हैं तो उसमें प्रोसेसर भी सभी अच्छे लगवाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक बेसिक रिग बनवा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे, और 6 से 6 महीने के अंदर आपका जो कार्ड है उसका अमाउंट तो आपका वापस से रिकवरी हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही आए हुए घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस रिक में हम क्या, मेरे पास तो क्या छोटा वाला बेसिक बोर्ड है नहीं अभी, तो जो मेरे पास था ये MSI का Z370 PC Pro, तो मैं तो इसी को यूज में ले रहा हूँ। लेकिन आपके पास में अगर कोई बेसिक सा मदरबोर्ड भी हो, इस रिक के लिए आपको मिनिमम S61 मदरबोर्ड और मैक्सिमम तो आप जो भी लगा जो लगा सकते हो, S61 मदरबोर्ड में i5 3rd जनरेशन आपको लगानी है, जो कि मॉडल नंबर आता है प्रोसेसर का 3470, क्योंकि उससे नीचे वाले जो प्रोसेसर है वो PCIe 3.0 को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये बात आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको i5 3rd लगाना है और S61 मदरबोर्ड लेना है, उस पर भी आप ये वाली रिग बना सकते हैं। उसी की कॉस्ट को मैंने काउंट किया था तो आपको 72-75 के अराउंड ये रिग कंप्लीट पड़ जाएगी। उसके बाद आप हमारे को मदरबोर्ड में एक प्रोसेसर, मैंने i3 8th जनरेशन लगा रखा है इसमें, एक रैम जो कि 4 GB भी इनफ है, लेकिन अब मेरे पास जो थी वो मैंने लगा रखी 8 GB की, 4 GB भी मोर देन इनफ रहती है। उसके बाद आपको एक SSD जो कि 120 GB इनफ है, मोर देन 60 GB की SSD हो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम मेन चीज़ जो ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं वो ले रहे हैं जोटे की तरफ से आने वाला RTX 3060, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इस पर माइनिंग शुरू हो चुकी है, मैंने 1 महीने से ज़्यादा इस पर टेस्टिंग भी कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलिए इस बॉक्स को भी हम साइड में रखते हैं इधर। और लास्ट कंपोनेंट हमारे को चाहिए, वो चाहिए हमारे को एक पावर सप्लाई, जो कि इस रिग में हमारे को 550 वाट भी मोर देन इनफ है, लेकिन अब जो है उसी से काम चला रहे हैं, लॉकडाउन है अभी। तो मैं फटाफट से इनको सेटअप करता हूँ। ग्राफिक कार्ड को भी मैंने बाहर निकाल लिया है ऑलरेडी, देख सकते हैं ये जो ग्राफिक कार्ड, ये रहा जोटे की तरफ से आने वाला RTX 3060। आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर भी लिख रखा है जोटेक RTX 3060, तो ग्राफिक कार्ड RTX 3060 है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अगर आप मॉनिटर को इस रिग से कनेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको एक डमी प्लग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आप मॉनिटर कनेक्ट करना रख सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप मॉनिटर नहीं कनेक्ट करना चाहते क्योंकि मॉनिटर भी पावर लेता है, तो आप इस प्रकार के डमी प्लग की यूज में ले सकते हैं, जो कि आपको ग्राफिक कार्ड के HDMI वाले पोर्ट में लगाना है। तो ये भी एक कंपोनेंट है इसमें, डमी प्लग। तो चलिए सभी को सेटअप करता हूँ मैं, आप बने रहिए वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो मैं एक एक करके सभी कंपोनेंट्स इसमें अपने सेटअप में लगा देता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको एक सेटअप भी करके दिखाऊंगा कि आप अगर ग्राफिक कार्ड से डिस्प्ले नहीं लेना चाहे और डायरेक्ट मदरबोर्ड से कैसे डिस्प्ले लेते हैं, मेन बायोस सेटिंग क्या रहती है माइनिंग के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो चलिए पहले हम मदरबोर्ड में पावर कनेक्टर वगैरह लगा देते हैं सभी। तो
चलो लग चुका है। अब रही बात एसएसडी की, इसमें मैंने विंडोज 10 को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, एनवीडिया के ड्राइवर वगैरह को सभी को मैंने इसमें प्री इंस्टॉल कर रखा पहले। और माइनिंग के लिए हम इसमें नाइसेस का यूज में लेंगे। नाइसेस माइनर का नाम आप में से सभी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर माइनर है। डाउनलोड लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एसएसडी में पावर की भी ज़रूरत होती है तो पावर भी हम वही देते हैं। चलो एसएसडी में पावर मिल चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है सेटअप में। तो अब बात रही डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के लिए मैं इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ग्राफिक कार्ड से डिस्प्ले नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट मदरबोर्ड से लूँगा। तो मैं इसके एचडीएमआई पोर्ट में अपना मॉनिटर का एचडीएमआई केबल लगा देता हूँ। तो एचडीएमआई केबल मैंने लगा दिया है और मॉनिटर जो ऊपर रखा हुआ है, तो चलिए अब इसको केवल ऑन करने की देर है। तो मैं इसमें पावर सप्लाई में अपनी जो पावर केबल है वो लगा देता हूँ एक बार, और फिर चलिए इसको ऑन करते हैं। मैंने इसको ऑटो ऑन कर रखा है, तो जैसे ही मैं पावर सप्लाई को ऑन करूँगा ये ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो चलिए 3 2 1 स्टार्ट। तो सिस्टम पूरा ऑन हो चुका है, एक बार मैं आपको ऐसे शुरू करके दिखाता हूँ, तब तक मैं इसमें कीबोर्ड लगा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि डिस्प्ले इसमें आ चुकी है। कीबोर्ड और माउस दोनों कनेक्ट कर दिया मैंने इससे। मेन चीज़ है वो है इसमें आपको इंटरनेट, इंटरनेट के लिए मैं इसमें वाईफाई डोंगल का यूज में ले रहा हूँ। आप चाहे तो वाईफाई डोंगल के अलावा आप इसमें लैंड केबल के थ्रू भी इंटरनेट दे सकते हैं आपके राउटर से। तो मैं इसमें अभी वाईफाई डोंगल लगा देता हूँ जिससे कि इंटरनेट इसी से इसमें चल जाए। तो मॉनिटर थोड़ा दूर पड़ा दोस्तों, तो मैं सोचकर इसको थोड़ा यहाँ पे नज़दीक रख देता हूँ जिससे क्या मैं आपको दिखाने में थोड़ी सी आसानी रहे। चलिए मैं इसे अपने कंप्यूटर टेबल के पास रख देता हूँ इधर, जिससे कि आपको ज़्यादा दूर से नहीं पास से दिखा सकूँ। तो सेटअप हमारा परफेक्टली ऑन हो चुका है और काफ़ी अच्छी तरीके से चालू है। ये वाला मॉनिटर हमने इसी वाली रिक से कनेक्ट कर रखा है, मेन पीसी से नहीं है ये कनेक्ट। तो चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको करना पड़ता है इसमें। थोड़ा सा और मैं जूम इन कर देता हूँ बस। तो आपको इसमें नाइसेस माइनर डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये जो ये नाइसेस माइनर मैंने इसमें पहले से इंस्टॉल कर रखा है, और नाइसेस में आपको वॉलेट वगैरह सब आप मोबाइल से बना सकते हो। आपके विंडोज डिफेंडर आपको ऑफ रखना पड़ता है और आरटीएस 3060 है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें टास्क मैनेजर खोल के। तो ये देख लो जीपीयू बना रहा है, एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 3060 लिखा हुआ आ गया वहाँ पे ऊपर। मैं और जूम कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे आरटीएक्स 3060 हमने इसमें लगा दिया है और 3060 परफेक्टली इसमें चल भी रहा है अभी। तो नाइसेस माइनर आपको डाउनलोड कर करना है, इसमें इंस्टॉल करके रखना है, वो मैंने पहले से कर रखा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा
और अगर चाहते हैं उसको हम कैसे सेटअप करते हैं तो उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो लूँगा, अगर आप कमेंट करके हमें बताए दो। तो चलिए हम NiceS माइनर को इसमें रन करते हैं। ड्राइवर और क्लॉकिंग सेटिंग वगैरह मैंने सब इसमें पहले से लगा रखी है। भले मैं और क्लॉकिंग सेटिंग को एक बार रीसेट कर देता हूँ। तो चलिए रीसेट हो चुकी है। तो NiceS ओपन हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम जब आप करते हो तो बेंच मार्किंग करता है आपके GPU के, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो हैश रेट ये दे सकता है वो दे दे। तो चलिए बेंच मार्किंग कम्प्लीट हो चुकी है और माइनिंग भी शुरू हो गई है। तो 3060 हमारे को 45 प्लस देता है मेगा हैश, 45 से लेके ये हमारे को 49 तक की हैश रेट देता है। तो मेरा वाला कार्ड है वो अभी मेरे को 41 पॉइंट समथिंग ऊपर दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो, अब इसकी ऐसे डाउन जा रही है, अभी 27 पर आ गया क्योंकि हमने इस पर डिस्प्ले कनेक्ट नहीं कर रखी है। ये इशू सभी के साथ था, शुरू में इसने ज़्यादा दी लेकिन अब डिस्प्ले कनेक्ट नहीं कर रखी है तो ये हैश रेट इसकी डाउन हो गई। तो अब हम इसमें डमी प्लग को यूज़ में लेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी हैश रेट इंक्रीज होती है या नहीं होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा 24 23 की हैश रेट आ रही है। तो चलिए अब हम इसमें ग्राफिक कार्ड में डमी प्लग लगाते हैं। तो डमी प्लग हमने लगा दिया, आप देखते हैं कि हैश रेट में कुछ चेंजेस आता है या नहीं आता। तो आप देख पा रहे होंगे अभी ये 30 चला गया, 22 से डायरेक्ट 30 हो गई है ना, और 37। तो डमी प्लग लगाते हैं, हमारा इसकी जो हैश रेट है और वो बढ़ चुकी है और पावर भी थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, 41 के आसपास ही पहुँच चुका है। तो चलिए अब इसकी ओवर क्लॉकिंग सेटिंग सही करते हैं जिससे कि हमें कम पावर ले ये और हैश रेट भी सही से मिल जाए। 41 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। तो पावर लिमिट को हमारे को करना है 65% ऊपर से। और कोर क्लॉक को करना है -200। और मेमोरी को करना प्लस में 800। 800 इज इनफ क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको करेंगे तो फिर सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो 800, 850 तक आप कर सकते हैं फैन को ऑटो रखेंगे। तो इसको जैसे हम प्रेस करते हैं, अब देखना आप हैश रेट इसकी और बढ़ने शुरू हो जाएगी। सॉरी, तो देख ले 43 तक आ चुकी है। पावर भी पहले 167 वोट ले रहा था तो पावर भी काफ़ी कम लेगा, 45 46 तक चली गई है और 110 वाट पे चल रहा है। तो ये इसकी ओवर क्लॉकिंग की सेटिंग एकदम परफेक्ट है जिसपे 46 समथिंग मेगाहर्ट्ज़ दे रहा है और पावर भी काफ़ी कम ले रहा है। इस हिसाब से मैं पर डे का जो प्रॉफिट होगा वो NiceS के हिसाब से दिखा देता हूँ। मैं डिवाइस में 340 रुपये के आसपास हमें इससे 24 घंटे में आउटपुट मिलेगा। उस हिसाब से महीने का 10,000 रुपये होगा। तो आपका कार्ड जो है 6 महीने में बिल्कुल फ्री हो जाएगा क्योंकि 60,000 के आसपास अभी ये कार्ड मिल रहा है। तो 6 महीने में आपका कार्ड आपको बिल्कुल फ्री हुआ मिल जाएगा। अगर आपको इसकी जो एस रेट पूरी नहीं मिल पा रही हो तो आप हमें डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैसेज कर सकते हो। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हम आप इसकी जो एस रेट है वो पूरी कैसे ले, जो कि आ रही है अभी 46.5 मतलब 46.5 ही है और 110 वाट पे। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड सर्वर से मैं आपको
रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक वीडियो में था दोस्तों, 3060 जो बेस मॉडल आता है उसकी माइनिंग रिग का सेटअप, जो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं इन फ्यूचर कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चलिए धन्यवाद। अगर मन में कोई डाउट रहा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ले सकते हैं 3060 को। अगर आपको बाई करना है तो हमसे बाई कर सकते हैं। जोटेक का 3060 हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, और प्राइस आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, प्राइस आपको इंस्टाग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे ही बताऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।